लो बेटा, आ गया तुम्हारा स्कूल। स्कूल आ गया। चले हाँ, मम्मा वो देखो गरीब की बेटी। क्या हो बेटा? बेटा ये कैसी बात कर रहे हो? ये तो गलत बात है ना। तुमने सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाते हैं? किस बात पे? किसी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मम्मा आपको नहीं पता उसके पापा रिक्शा चलाते हैं। पापा ये लोग कहते हैं ये गरीब बच्ची रिक्शा चलाते हैं तो क्या हो गया? बेटा मेहनत तो करते हैं ना, किसी से चोरी तो नहीं कर रहे। तो रिक्शा चलाते हैं तो मेहनत करते हैं, इसमें बुराई क्या है? तो फिर वो रिक्शा तो चलाते हैं, फिर उनको इतने बड़े स्कूल में क्यों डाले? उनको सरकारी स्कूल में डालो ना, मुझे तो शर्म आती है इनसे बात करने में। बेटा आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है? पापा पर ये लोग बोलते हैं कि मैं कभी कुछ नहीं बन पाऊंगी। बेटा जो ऐसा बोलते हैं ना वो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं। जब आप पढ़ लिख के बहुत बड़े अफसर बन जाओगे ना तो ये जितने लोग आपको मजाक उड़ाते हैं ना ये सब आपसे डरेंगे। और आप एक काम करना, आप अपनी टीचर से शिकायत लगा देना इन बच्चों की जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, फिर टीचर उनकी पिटाई करेंगे। पापा टीचर भी मजाक उड़ाती है, कहती है ये गरीब। कोई बात नहीं बेटा, उड़ाने दो इन लोगों को मजाक। जब तुम पढ़ लिख के बहुत बड़ी अफसर बन जाओगी ना फिर हम लोग मिलके इनका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है? पक्का पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी कोई मेरा पक्का मजाक उड़ाएगा। हाँ बेटा सच में डरेंगे, ये सब डरेंगे तुमसे। ठीक है पापा, फिर तो मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगी। आपको अपने पापा की बात सुननी है और पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है पापा, मैं मन लगा के पढ़ूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। बेटा ये गलत बात है, किसी के घर के हालात कैसे भी हो सकते हैं? कल को अगर हमारा पैसा खत्म हो गया, हमारी ऐसी हालत हो गई और हमारा कोई मजाक उड़ाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं मम्मा। नहीं लगेगा ना, तो अगर आप उसका मजाक उड़ा रहे हो तो उसको भी नहीं अच्छा लगेगा। आज के बाद आप ऐसा नहीं करोगे ना? ठीक है मम्मा, प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? चले आओ स्कूल। अब आप जल्दी से जाओ और उससे माफी मांगो। सॉरी। हेलो। बाय। संस्कार स्कूलों से नहीं बल्कि अपने घरों से आते हैं।